Hello students, I am going to start today's video with topic nutrition. Fungi are heterotrophic. Fungi heterotrophic mode of nutrition show करते हैं. Heterotrophic means वैसा nutrition जिसमें organism किसी और पे depend होते हैं food के लिए, उसको heterotrophic mode of nutrition कहा जाता है. Fungi are attached with algae. फंगाई एल्गी के साथ अटैच होते हैं एंड एक न्यू फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड लाइकेन. क्लियर? अब ये जो लाइकेन में एल्गी है वो क्या करेगा, फंगाई को फूड प्रोवाइड करेगा एंड फंगाई इसके बदले एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा. शेल्टर मीन्स उसको रहने की जगह देगा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वन, मीन्स नई बेबी को जन्म देना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. फंगाई में रिप्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन के थ्रू होता है. बर्डिंग का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं एंड वो बर्ड उनकी बॉडी से, मीन्स मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं. ठीक है, ये अमीबा में देखा जाता है. आप देख सकते हो मैंने रफली अमीबा को ड्रॉ किया है. आप ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाली स्ट्रक्चर है ना, ये अमीबा है. ठीक है, अमीबा की बॉडी पे देखो एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली हुई है, उभार निकली हुई है, जिसको बड बोलते हैं. ठीक है, ये बड कुछ दिनों तक हाइड्रा की बॉडी से अटैच होते हैं एंड जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो मेन हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं. ठीक है, जैसे ही डिटैच होंगे फिर वो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ होने लगेगी और वो फिर एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट में देखो दिस इज़ बाइनरी फिजन. इसमें मैंने अमीबा का डायग्राम के थ्रू आपको बाइनरी फिजन समझाने की कोशिश की है. दिस इज़ अमीबा. ठीक है, अमीबा जब फुली मैच्योर होता है तो इसकी बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है एंड टू डॉटर अमीबी बनाता है. तो ये क्या हुआ, सिंगल से दो डॉटर अमीबी बने, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन. फिजन का मतलब होता है टूटना. ठीक है, थर्ड वे ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है. तो स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है ना, तो ये देखो ये क्या है, ये अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं एंड इन स्पोर्स को कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको सिस्ट कहा जाता है. ठीक है ना, ये सिस्ट इन स्पोर्स को एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब ये सारे स्पोर्स क्या होते हैं, एटमोसफेयर में रिलीज हो जाते हैं एंड सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने एक बात नोटिस की होगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, पेरेंट एक ही होता है. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी थ्रू बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मैंने आपको शो कर दिया जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म गेट्स डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन. बडिंग भी मैंने शो कर दिया. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किस तरीके से बनती हैं एंड कैसे उनके सिस्ट बर्स्ट करते हैं वो भी मैंने आपको शो कर दिया. तो ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं. ओके, फंगाई में ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी डस्ट लाइक सेल्स होते हैं जिनको स्पोर्स कहा जाता है. अभी जैसा मैंने आपको स्पोर की डायग्राम दिखाई, स्पोर के चारों तरफ कवरिंग होती है. ठीक है, एंड वो कवरिंग क्या होती है, जब बर्स्ट करती है तो उनके स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाते हैं एंड वो सुटेबल प्लेस पे लैंड करते हैं और वहाँ पे न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में वो ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म्स आर इन्वॉल्व. जिसमें टू पेरेंट्स होते हैं उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. टू पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व हुए नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो फंगाई में भी ये चीज़ें होती हैं.
लेकिन फेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ टू गैमेट्स और देयर न्यूक्लियाई, मीन्स टू ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियाई। आपको पता होना चाहिए हर एक सेल में न्यूक्लियाई होती है, तो टू ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियाई फ्यूज करती है एंड उससे न्यू बेबी बनता है। ठीक है, ये हो गई रिप्रोडक्शन की बात। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई, फंगाई का क्या इंपॉर्टेंस है। ईस्ट एक फंगस है, इट इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड केक्स इडली एंड डोसा एंड इट इज़ रिच इन विटामिन बी। ईस्ट में विटामिन बी होता है। ईस्ट को मोलासिस में भी ऐड किया जाता है इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। अब ये मोलासिस क्या होते हैं, इट इज़ वेस्ट फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में जो वेस्ट बनते हैं उनको मोलासिस कहते हैं एंड उन मोलासिस में अगर हम ईस्ट डाल देंगे तो उससे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा जो कि वाइन कहलाती है। नेक्स्ट, ईस्ट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग वाइन फ्रॉम फ्रूट जूस। अगेन क्या है, फ्रूट जूस से वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। कुछ फंगाई जैसे कि मशरूम है वो डायरेक्टली एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगाई, कुछ मेडिसिन फंगाई से बनाए जाते हैं जैसे कि पेनिसिलियम इज मेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, तो मेडिसिन भी फंगाई से बना सकते हैं। ईस्ट का यूज़ और कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में भी ईस्ट का यूज़ होता है एंड ईस्ट्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस विनेगर, जिसको आप सिरका भी कहते हैं, इनमें भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। क्लियर, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।